छोटा दिन है जिसकी बुनियाद पर वक्त काफी हो चुका है। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके सामने हाजिर आ चुका हूँ। उनके साथ चंद बातें समाप्त। आज चाहलुम है, इनका चाहलुम जनाब सभापति नूरुल्हुदा तौसीफ रजा, उनके वालिद मरहूम जनाब अलहाज मास्टर मोहम्मद मोहिउद्दीन साहब की रूहानी सवाब की चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला जल्ल वाला मरहूम की हकायत सवाई कबाई की मगफरत फरमाकर उन्हें जन्नत में आला आपका फरमाए। पसमान लगाम को सबरे चलने का मौत हर एक को आती है, जहाँ जिंदगी है वहाँ मौत है, जहाँ हयात है वहाँ मौत है। मरने वाले भी मुख्तलिफ, कभी नेककार का इंतकाल होता है, कभी बदकार का इंतकाल होता है, कभी बच्चे मरते हैं, कभी जवान, कभी बूढ़े, कभी मर्द। मैंने आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है इंशाअल्लाह, इसकी रोशनी में चंद मिनट आप साथ करूँगा। आए कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लक्नु मौता, मेरे नबी फरमाते हैं लक्नु मौता, ऐ मेरी उम्मत अपनी मस्जिद को तलकीन कर, अपनी मस्जिद को मरने वाले को तलकीन करो। अब ये मस्जिद को तलकीन करने का शारहीन किराम में दो मतलब है, फायदे की बात बता। एक तो मतलब ये है कि आपका बाप, आपका भाई, आपकी माँ, आपका कोई रिश्तेदार, अरे कोई ना हो, कोई मोमिन मुसलमान जिसकी नजा और मौत का वक्त है, वो बिस्तरे मर दफे लेटा हुआ, तो नबी इरशाद फरमाते हैं आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उसके करीब जाकर, जो करीब मर्ग है मौत से बिल्कुल करीब, आपकी तब को निकल जाए, उसके करीब जाके बैठ जा और बैठ करके शहादतें आज आके पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। बार बार जो मरने के करीब है उनके करीब बैठ के आप पढ़ते हो, उसको मत कहिए कि पढ़ो, मरने वाले के मत कहो कि तुम पढ़ो, बल्कि आप उसके करीब बैठ के पढ़ते हो। इतनी बार पढ़िए, इतनी बार पढ़िए कि उसके कान में आवाज बार बार जाए, उसकी जबान की धड़कन में आ जाए, वो खुद भी पढ़े। लेकिन आप ये मत कहिए कि तुम पढ़े कि मौत की शिद्दत बड़ी, मौत की तकलीफ बहुत ज्यादा हुआ करती है। सरकार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जब मलक मौत तशरीफ लाते हैं, रूह को जिस्म से निकालते हैं, तो उसकी तकलीफ एक मिसाल सरकार ने पेश की कि अगर एक बार इस तलवार के जिस्म पे मारा जाए तो उससे जितनी तकलीफ होती है मौत। तो चूंकि वह कर्म और बेचैनी को इख्तियार का आनंद होता है, लिहाजा आप उससे मत कहिए जब पढ़ो अशरुल्लाह, बल्कि उनके करीब बैठ कर आप कलेमा पढ़ते रहे, और जब बार बार आप पढ़ेंगे तो अल्लाह तौफीक देगा, कलमे शहादत की आवाज के कानों में जाएगी तो वो भी पढ़ लेगा। और आप इरशाद फरमाते हैं जिसका आखिरी कलाम, जिस बंदे मोमिन की आखिरी बात कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो जाए, वो जन्नत। मेरे आका फरमाते हैं कि रब ने फरमाया कि वो रब के अमान है जिसने आखिरी मरतबा मौत से पहले पढ़ दिया कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो आका इरशाद फरमाते हैं अब आप उसके करीब बैठ करके आपने कलेमा पढ़ा, अगर एक मरतबा उसने कलेमा पढ़ दिया तो दोबारा उसके मत, हाँ अगर इस बीच में अगर कोई बात किसी दोस्त ने जब मरने वाला मशगूल हो गया तो फिर आप दोबारा पढ़ लीजिए ताकि उसका आखिरी जवाब करे, उसकी आखिरी बात ना करे, तो लक्ष्य को मौका है। अरे मैं मानता हूं बाप मर जाए तो 1,00,000 रुपये खर्च कर लोगे, बाप मर जाए तो करोड़ों रुपये खर्च कर लोगे, लेकिन शरीयत मुस्तफवी में अपनी माँ के बाप
उसके लिए वो प्रेम की तरीके बताए गए हैं जो हमें मालूम बड़े सहल है बड़े आसान है लेकिन शारीरिक फरमाते के लक्षण मौताओं का मतलब यह है कि जब इंसान मर जाए उसकी तजवीज और तकफीन हो जाए और तजवीज और तकफीन के बाद तदफीन भी हम जब मुर्दे को आप खबर में ले जाए तो कबर में लिटाने के बाद सिरहाने के बाद मुर्दे के सिरहाने के बाद कबर को भी सुनने का बड़ा आसान है और बहुत फायदा है। मुर्दे को कबर में लिटाने के बाद उसके सिरहाने के पास कोई खड़े हो जाए और खड़े हो गए मुर्दे का नाम लेके उसको पुकारे। हदीस शरीफ में आया है जब एक बार उसका नाम लेके पुकारेगा तो मुर्दा उसके फिर दोबारा मुर्दे का नाम ले उसके साथ साथ उसके बाप का नाम ले मुर्दा उठने बैठने के बाद अपनी आंखों को मलेगा फिर सेवारा उसको पुकारे तो सेवा पुकारेगा तो मुर्दा कब्र से आवाज देगा अल्लाह का बंदा बोल तू क्या बोलना चाहता है आवाज देगा अल्लाह का बंदा तू बोल क्या बोलना चाहता है। तो शारी ने हदीस इरशाद फरमाते हैं कि जब तीसरी मर्तबा आपने पुकार लिया तो अब पुकारने के बाद आपको ऐ मरने वाला उसका नाम लेके कहो कि तू कह मेरा उसका नाम लेके कहो तू कह तू का मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सराहने का यह होगा। शारीन हदीस इरशाद फरमाते हैं कि जब कब्र के सराहने खड़े होकर मरने वाले को ये कहा जाएगा कि तू का तेरा बनता है तेरा दीन इस्लाम है तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जब ये कब्र के सराहने बताने वाला खड़े होकर बताएगा उस वक्त मुनकरों ने और हाथ पकड़ते कहेंगे चलो इससे सवाल क्या करना इसके साथी ने तुमको तमाम तो कितना आसान लेकिन हम करते अमल बड़ा आसान है लेकिन हम करते हैं मकर के तरीके ये बख्शिश के तरीके हैं। लिहाजा मेरे दोस्त अगर आप यहाँ किसी का बेसाल इंतकाल होता है तो लग के मुंह मौत आप सबसे पहले तो आप ये करें जब करीब मर्द हो गया है रूह निकलने वाली है उसके सराहाने बैठ जाए और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कलमा पढ़ते करते रहे ताकि ऊपर ताकि वो पढ़े तो नबी की बशारत के मुताबिक उतर और फिर उसके बाद जब आप कब्र में लिटा दें चाहे वो बाप का जनाजा हो माँ का जनाजा हो भाई का जनाजा हो कब्र में लिटा दें तो उसके सिराने खड़े होने के बाद कब्र के सिराने खड़े हो उसके बारे में उसका नाम लेंगे उसके बाप का नाम लेंगे फिर उसको तकलीफ करें कि तू का तेरा रब अल्लाह है तेरा दीन इस्लाम है और तेरे नबी कितनी बड़ी मदद है। शारी ने हदीस इरशाद फरमाते जब अहबाब मुर्दे को कब्र में दफना के आ जाते हैं तो मुर्दे का हाल ऐसा होता है कि समंदर में डूबने वाला मुर्दे का हाल ऐसा होता है कि समंदर में गोता खाने वाला डूबने वाला आदमी वो एक तिनके का सहारा तलाश करता है कि कोई लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए कोई तिनका मिल जाए उसका सहारा लेकर समंदर पार कर जाए तो ऐसे जब मस्जिद को उसके अहबाब तो मुर्दा करने के लिए शक्ति होता है यानी जिनका तलाश है वो सहारे की तलाश करता है कि कौन मेरी रूह को उठाकर जमा कर रहा है कौन इस सूरह नाम करके पक्ष रहा है कौन मेरे नाम पे फकीरों को खिला रहा है कौन मेरे नाम पे यतीमों को खिला रहा है कौन मेरे नाम पे मसाजिद की तामीर कर रहा है कौन मेरे नाम पे मदरसे की तामीर कर रहा है ताकि उसके जरिए मुझे मदद मिल जाए और ये अजाब के समंदर में जो डूबने जा रहा हूँ तकलीफों मशक्कत के समंदर में जो डूबने जा रहा हूँ लिहाजा अहबाब पर जरूरी होता है उसके रिश्तेदारों पर जो खसूस उसके वाले वो औलाद पर जरूरी होता है कि अपने वालदैन की मौत के बाद उनको ईसा अलैहि सलाम का इंतजाम करें। बड़े खुश नसीब है वो बच्चे बड़े खुश नसीब है वो औलाद जिन्होंने अपने वालदैन के ईसा अलैहि इंतकाल के बाद में परामर्श किया। मैं सदानुवार बात पेश करता हूँ जनाब सभापति अमूल साहब और तौसीफ साहब और उनके खेसर अपने रिश्तेदारों को जिन्होंने इस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया। एक बात और सुनिए हदीस शरीफ में आया है अब जो जरूरत अंदर में जाओ हदीस शरीफ में आया है कुल तो नहीं तुम अंजियात कबूर अलाफ सरकार इशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत मैंने तुम्हें कब्रों की जियारत से मना किया था तो खबरदार हो जाओ आधा
तो हदीस शरीफ में आया है कि अगर बेटा बाप की खबर की ज्यारत में जाता है तो बाप पहचानता है कि मेरा बेटा है। भाई भाई की खबर में जाता है तो भाई पहचानता है कि मेरा भाई आया। उस्ताद शागिर्द की खबर में जाता है तो शागिर्द पहचानता है कि मेरा उस्ताद आया। शागिर्द उस्ताद की खबर में जाता है तो उस्ताद पहचानता है कि मेरा शागिर्द आया। रिश्तेदार दोस्त रिश्तेदार की खबर में जाता है तो उस्ताद पहचानता है कि मेरा फला रिश्तेदार आया। हम उसको खड़िए कि दुनिया में जिन जिन लोगों से उसकी जान पहचान थी अगर उनमें से कोई भी शख्स उसकी खबर में जाता है तो वो पहचान। और जिस तरह दुनिया में अपने दोस्त अपनी औलाद अपने बच्चों के अपने निगाहों के सामने आने से इंसान को खुशी व मसरत हासिल होती है, ऐसी बच्चा जब बाप की कब्र में जाता है, बच्चा जब माँ की कब्र में जाता है तो माँ की रूह खुश हो जाती है, बाप की तबीयत खुश हो जाती है। जिस तरह दुनिया में माँ और बाप ये चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारी निगाहों के सामने रहे, वैसे जब कब्र में औलाद माँ बाप की जाती है तो जब माँ बाप की रूह चाहती है ज्यादा देर तक मेरे बेटे की कब्र में बताता है दोस्त ने इशारे सवाब किया तो उसके बारे में बताता है। अरे मुख्तसर में आप कर रहा हूं आज जनाब कबूल साहब उनके भाई और बिरादर ने इस महफिल का इनकार किया है। अहादीस की रोशनी में आप करता हूं का बाप अपने कब्र में लेते लेते बुरा हदा कर रहा है, वो देख रहा है कि मेरे पत्तों ने मेरे इशारे सवाब के होना को बुलाया है। लिहाजा हमारी और आपकी जिम्मेदारी होती है कि अगर हमारा कोई इंतकाल कर जाए कोई दुनिया से मतारे मुफारकत लेकर के जाए तो हम उन्हें फरामोश न कराएं, उनकी कब्र पर हाथ भी दें, उनकी रूह को इशारे सवाब करें, उनकी मफरत और बख्शिश के हम आवत दुआ करते रहें। रब ने फरमाया वो कुल रब रहम हमा कमा रब यानी समीरा, कहो ए मेरे रब मेरी माँ पर रहम फरमा मेरे बाप पर रहम फरमा जैसे बचपने में उन दोनों ने मेरी और हम कितने मुसलमान यहाँ पर हाजिर आए हैं अल्लाह तबारक व तआला हम सबों के आबाद